लताइफ के बारे में, लताइफ आलम अम्र और लताइफ आलम खल्क, इनके बारे में आज मालूम कर लेंगे कि इन चीज़ों के बारे में समझाने से पहले थोड़ा ज़रा इंट्रोडक्शन होना है, यानी उसका मुकदमा क्या है कि अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ही अल्लाह था, यानी अल्लाह की ज़ात ही ज़ात थी, जैसा कि हदीस कुदसी में आया है, कान अल्लाहु लहू मा शैयन कबला, अल्लाह ही अल्लाह था, उसके सिवा कोई चीज़ नहीं थी। तो जब अल्लाह ही अल्लाह था, अब दूसरी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह नहीं बनाया अभी, उस वक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त में अल्लाह की ज़ात ही ज़ात थी। ये हमारा अकीदा है, होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात अपने कुल सिफात के साथ थी, वैसे ही है, हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हर मुसलमान का ये अकीदा होना है कि अल्लाह की ज़ात मा सिफात मौजूद थी, है और हमेशा के लिए रहेगी। तो यही इसी चीज़ को अल्लाह ताला हदीस कुदसी में आया कि कान अल्लाहु लहू मा शैयुन कबलहू, यानी अल्लाह ही अल्लाह था पहले, उसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त में अल्लाह चाहा क्या है कि मैं पहचाना जाऊं, क्या है मैं पहचाना जाऊं। तो जैसा हदीस कुदसी में आया है, कुंतु कंजम मगफिया फअहबबतु अन वरफा वखलक्तुल कल्ब, यानी इसका मतलब है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैं चाहा कि पहचाना जाऊं, तो मखलूक को बनाया, यानी कि अपने आप को जो है अपने आप में इरादा पैदा हुआ अल्लाह के अंदर के मैं पहचाना जाऊं, इरादा यानी हुब चाहत अल्लाह के अंदर चाहत हुई। बाज़ लोगों का कहना है कि हुब चाहत पहले, सबसे पहले अल्लाह ताला मोहब्बत को बनाया, उसकी तफसील में हमको जाने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी उसका ताल्लुक का मज़मून आया तो बोलूँगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला जो है अपने आप को पहचानवाना चाहता है कि, तो कैसे पहचानवाना जाता है कि वो पहचाना जाए, तो पहचाना जाए मतलब अल्लाह के पहचानने वाली एक चीज़ होना है, जो अल्लाह को पहचाने उस चीज़ को ही मखलूक कहें, यानी अल्लाह ताला बनाया एक चीज़ को यानी मखलूक को, मखलूक बोले तो पूरी है, अब उसकी तफसीलात में अभी जाने की ज़रूरत नहीं कि मखलूक को बनाया। तो ये बनाने की तरतीब के बारे में भी अल्लाह ताला फरमा दिया, क़ुरान शरीफ में आया है कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकुन, अल्लाह ताला जब किसी शय का इरादा करता है यानी इजहार का इरादा करता है यानी बनाने का इरादा करता है, तो पहले अपने अंदर इरादा करता है और उसके बाद कहता है कि हो जा, क्या है हो जा, तो वो हो जाती है। अब जबकि कोई चीज़ नहीं, जबकि कोई चीज़ मौजूद नहीं, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई चीज़ नहीं, तो फिर किससे कहा हो जा कुन, कोई चीज़ नहीं तो कुन किससे कहा, यानी कि अल्लाह ताला जिन चीज़ों को बनाना चाहता है, जिसकी तख्लीक़ करना चाहता है, जिनकी तख्लीक़ करना चाहता है, वो सब इल्म इलाही में है, क्या है इल्म इलाही में है। ये इल्म इलाही में होतापन जो है, जिसको अयान साबिता भी कहते हैं, इसकी तफसीलात भी जो है एक बहुत बड़ा ऊंचा सबक है, जब तनज़ुलात सित्ता के बारे में तफसील से बोला जाएगा तो इंशाल्लाह उस वक्त में मालूमात होंगे।
अपने इल्म में सब कुछ है, जाहिर होने वाली हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। तो उस चीज़ को जो अल्लाह के इल्म में है तो उससे कहा कि कुन, कुन बोलते ही वो मखलूक मौजूद हो गई, फयकून। तो अब कुन और कुन से पहले, कुन से बाद, कुन से पहले जो कुछ भी है वो गैर मखलूक है। कुन से पहले जो कुछ भी है वो गैर मखलूक है, कुन के बाद जो कुछ भी है वो मखलूक है। ये याद रख लो, इसकी वजाहत भी इंशाअल्लाह होगी कि कुन से पहले जो कुछ भी है ये गैर मखलूक है, इसलिए कि अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है, अभी जाहिर नहीं। तो अब जब कुन के बाद मौजूद होने वाली सब चीज़ें, पूरे कुल चीज़ें जो मौजूद होने हुए हैं उनको मखलूक कहते हैं। तो ये मखलूक में सबसे पहले किसको बनाया, अब ये भी तफसीलात अभी जाने की ज़रूरत है, वो पॉइंट ऐसे ही रखी है इंशाअल्लाह, उसके मौजू वक्त पर मैं सुनाता जाऊँगा, जहन में रख लो आप लोग, आप लोगों के ज़िम्मे है कि ये पॉइंट फिर आते रहते हैं। तो अब हमको जानना है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है, यानी इजहार करने का इरादा करता है, तो वो चीज़ से कहता है जो कि इल्म खुदावंदी में है कि हो जा, कुन हो जा, तो वो हो जाती है। कुन हुक्म है, हो जा ऑर्डर, क्या है ये ऑर्डर, ऑर्डर हो गया, इसको अरबी में अम्र कहते हैं, क्या है अम्र कहते हैं, ऑर्डर क्या कहते हैं अम्र, अम्र बोले तो ऑर्डर, हो जा एक हुक्म है। अब यहाँ से बोलेंगे कि तू चले जा बाहर जा, बोले तो मतलब क्या है कि ऑर्डर, तो ये अम्र है, ये अम्र है, तो हुक्म है कि अल्लाह ताला हुक्म करता है। तो पहले हुक्म के साथ जो पहले सबसे पहले जो चीज़, जिस चीज़ को अल्लाह बनाया वो नूरे मुहम्मदी अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी तफसील में अब जाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल उसके बाद के मुकामात के बारे में बात करेंगे कि मखलूक जो बनी, मखलूक कुन के बाद जो मखलूक बनी, तो वो सबसे पहले जो बनी है वो आलम अरवा है, क्या है आलम अरवा है, अवालिम के अतबार से। अब इसमें बहस की ज़रूरत नहीं, फरिश्तों को बनाया ये वो सब बाद में बात करेंगे, उसकी तरतीब अलग अलग है कि आलम अरवा, इसलिए कि आलम अरवा अम्र खुदावंदी है, इसलिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, खुली रूही मिन अम्र रब्बी, कह दीजिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह मेरे रब का एक हुक्म है, अम्र, अम्र रब्बी है, एक हुक्म है। जब यहूद ये सवाल किए तो उसके जवाब में वही आती है कि कह दो कि वो मेरा अम्र है, यानी कि तुम्हारे रब का अम्र है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे दिए तो यहूदियों को। तो अब इससे क्या पता चलता है, अम्र हुक्म, अम्र रब्बी है रूह, इस लफ्ज़ के एतबार से इसको आलम अम्र कहा गया, यानी हुक्म के साथ मौजूद होने वाले, हुक्म के फौरन मौजूद होने वाले। अब सूफिया इकराम के पास दो आलम बएक वक्त मौजूद हुए, तो वो है आलम अम्र और आलम मिसाल, आलम अम्र और आलम मिसाल। इसको मखलूक, जितनी भी मखलूक है वो सब हादिस है, जितनी मखलूक है वो सब हादिस है, यानी एक्सीडेंटल, यानी हर हादिस चीज़ फना होने वाली है, आखिर में क़यामत के बाद में भी आलम अरवाह भी अल्लाह के अंदर फना हो जाएगी।
यानी कि अल्लाह खुद ऐलान फरमा दिया कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटना है। तो आलम अम्र यानी अरवाह भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह से बनाए हुए हैं, तो वो अल्लाह की तरफ लौटना है। तो हर चीज़ जो भी मखलूक है वो सब फना होने वाली है, हर फना होने वाली चीज़ हादिस है। हादिस बोले तो एक्सीडेंट, यानी कि एक एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बोले तो लम्हे में भी हो सकता है, वो एक घंटे में भी हो सकता है उसकी मकदार, और एक साल भी हो सकती है, कई जो है सदियां भी हो सकते हैं। तो इस एतबार से बएक वक्त उरूज पर जो मखलूक पैदा की गई, यानी कि उसके हर लिहाज से, हर काबिलियत के साथ जो वजूद में आ गई, उस मखलूक को हादिसे दहरी कहते हैं। क्या है? हादिसे दहरी, यानी उरूज पर आने वाली, उरूज पर पैदा है। उसके लिए तदरीज, जैसा इंसान है तो ये बतदरीज बड़ा हुआ है, पहले बच्चा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद जवान हुआ, उसके बाद बूढ़ा हुआ, और फिर इंतकाल कर गया। तो बतदरीज, एक स्टेप बाय स्टेप, इसको जो बतदरीज तरक्की पजीर होती है मखलूक, उसको हादिसे ही नहीं कहते। क्या बोलते हैं? हादिसे ही नहीं। इसका जिक्र सूरह इंसान में आया है कि ये हीन, ये एक वक्त है, ये एक वक्त है जिसकी बिगिनिंग यानी जिसकी इब्तिदा और इंतहा है। जैसा एक सदी है, अभी ये चौदहवीं सदी, तो चौदहवीं सदी हिजरी की बिगिनिंग जो है तेरहवीं सदी एंडिंग से, यानी तेरहवीं सदी हिजरी के ख़त्म होते ही इसकी इब्तिदा शुरू हो गई। तो इंतहा कब? के पंद्रहवीं सदी शुरू होने से पहले इसकी इंतहा है। तो इसकी इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। इस वक्त को, ये मकदार को जो है जिसकी इब्तिदा और इंतहा है, उसे हीन कहते हैं। हीन बोले तो भी वक्त है, दहर बोले तो भी वक्त है। लेकिन दहर की सिफत क्या है? कि ये दहर ऐसा वक्त है जिसकी इब्तिदा नहीं और इंतहा नहीं। इसीलिए हदीस में आए, इन्नल्लाह हुवा दहर, बेशक अल्लाह ही दहर है। तो इंतहा, इब्तिदा और इंतहा जिसकी नहीं, वो दहर है, यानी यहाँ खुदा है, अल्लाह है। तो इब्तिदा इंतहा नहीं, तो ये वक्त जो है दहर, जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिसकी इब्तिदा भी नहीं इंतहा भी नहीं, इस दहर के अंदर जो हीन है, इसकी इब्तिदा है और इंतहा, ये भी वक्त है, वो भी वक्त है, लेकिन उसकी इब्तिदा नहीं इंतहा नहीं, लेकिन हीन की इब्तिदा भी है इंतहा भी है। तो इंतहा और इब्तिदा जिसकी है, वो मखलूक जिसको पूरी मखलूक हादिस है, तो वो मखलूक जिसकी इब्तिदा और इंतहा है, उसको हादिसे हीनी कहते हैं। क्या है? हादिसे हीनी। हादिसे हीनी जो भी है, बतदरीज तरक्की पजीर होती है। हादिसे दहरी जो होती है, वो बतदरीज नहीं, बएक वक्त पूरे कमालात के साथ मौजूद हो जाती है। तो ऐसे पूरे कमालात के साथ मौजूद होने वाली मखलूक जो है, वो आलम अरवाह है, और दूसरा आलम है आलम मिसाल। लेकिन एक बात याद रखो, तनज्जुलात सित्ता के बारे में जब बात होगी तो इंशाल्लाह इसका ताल्लुक बयान किया जाएगा। ये हादिसे हीनी नहीं है, हादिसे दहरी है, हादिसे दहरी है। हादिसे दहरी में हम दो चीज़ों को बोल रहे हैं, एक आलम अरवाह, दूसरा आलम मिसाल। अब आलम अरवा और वाहिदियत, एक उससे ऊंचा मुकाम जो है वाहिदियत, ये दोनों को मिलाकर आलम मलकूत कहते हैं। क्या है? आलम मलकूत, जिसमें मिसाल नहीं, आलम मिसाल नहीं, सिर्फ आलम अरवा और आलम
ये वाहिदियत का जो मर्तबा है वो और आलम अरवा दोनों को आलम मलकूत कहते हैं, आलम मलकूत कहते हैं। इसलिए